दौलत की मंगा सब इथे रह जाना है, शोहरत की मंगा मिट्टी विच मिल जाना है, दौलत की मंगा सब इथे रह जाना है, शोहरत की मंगा मिट्टी विच मिल जाना। जीवा मरा तेरे नाल मैनू एहो जी वफा दे, मरा तेरे नाल मैनू एहो जी वफा दे। रूह दी मामूरी दे रूह दा मसा दे, रूह दी मामूरी दे रूह दा मसा दे, रूह दी मामूरी दे रूह दा मसा दे। दौलत की मंगा सब इथे रह जाना है, शोहरत की मंगा मिट्टी विच मिल जाना है, दौलत की मंगा सब इथे रह जाना है, शोहरत की मंगा मिट्टी विच मिल जाना। जी मां मरा तेरे नाल नू एहो जी वफा दे, मरा तेरे नाल मैनू एहो जी वफा दे। रूह दी मामूरी दे रूह दा मसा दे, रूह दी मामूरी दे रूह दा मसा दे, रूह दी मामूरी दे रूह दा मसा दे, रूह दी मामूरी दे रूह दा मसा दे। देख दिया रैन तेरे वाले अखा मेरिया, दिल विच रैन मेरे गल्ला बस तेरिया, देख दिया रैन तेरे वाले अखा मेरिया, दिल विच रैन मेरे गल्ला बस तेरिया। मंगा तेरे कोलों तेरे सच्चे प्यार दी रजा दे, मंगा तेरे कोलों सच्चे प्यार दी रजा दे, मंगा तेरे कोलों सच्चे प्यार दी रजा दे। रूह दी मामूरी दे रूह दा मसा दे, रूह दी मामूरी दे रूह दा मसा दे, रूह दी मामूरी दे रूह दा मसा दे, रूह दी मामूरी दे रूह दा मसा दे। पाक रूह दे विच मेरे खुदा मैनू पहर दे, बस खजाने नाल पल्ले मेरे भर दे, पाक रूह दे विच मेरे खुदा मैनू पहर दे, बस खजाने नाल पल्ले मेरे भर दे। जेड़ा उतरे ना यीशु तेरे नाम दा नशा दे, उतरे ना यीशु तेरे नाम दा नशा दे, उतरे ना यीशु तेरे नाम दा नशा दे। रूह दी मामूरी दे रूह दा मसा दे, रूह दी मामूरी दे रूह दा मसा दे, रूह दी मामूरी दे रूह दा मसा दे, रूह दी मामूरी दे रूह दा मसा दे। दौलत की मंगा सब इथे रह जाना है, शोहरत की मंगा मिट्टी विच मिल जाना। जीवा तेरे रू का मसा चाहिए, 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 तेरा रू का मसा चाहिए, तेरे रू का मसा चाहिए। आज तेरी सामर्थ चाहिए, आज तेरी सामर्थ चाहिए, तेरे रूह का मसा 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 चाहिए।
ओ तेरे रू का मसा चाहिए, तेरे रू का मसा चाहिए। आज तेरी हजूरी मिले, तेरे रू की मामूरी मिले। आज तेरी हजूरी मिले, तेरे रू की मामूरी मिले। आज तेरी हजूरी मिले, तेरे रू की मामूरी मिले। आज तेरी हजूरी मिले, तेरे रू की मामूरी मिले। तू ही तू है खुदा चाहिए, 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 तू ही तू है खुदा चाहिए। तेरे रू का मसा चाहिए, तेरे रू का रब सलख रबनमा, तेरे रू का मसा चाहिए, तेरे रू का मसा चाहिए। आज लंगड़े चलेंगे जरूर, आज अंधे भी देखे जरूर, आज लंगड़े चलेंगे जरूर, आज अंधे भी देखे जरूर, आज लंगड़े चलेंगे जरूर, आज अंधे भी देखे जरूर। तेरा तख्त यहाँ चाहिए, तेरा तख्त यरा पसलख रबनमा, तेरा तख्त यहाँ से नब यहोवा राजुंगे राजा, तेरा तख्त यहाँ चाहिए, तेरा तख्त यहाँ चाहिए, तेरा तख्त यहाँ चाहिए, ओ तेरा तख्त यहाँ चाहिए, तेरे रू का मसा 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 चाहिए। प्रेमिस लिखी रिबिन हमारा बस अलग है रवन हमारा जग राजा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज बंद टूटेंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपका जलाल आपकी सामर्थ आज हमारे बीच में है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। सियोन के राजाओं का राजा प्रभु प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आ तेरी सामर्थ हमको भरे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आप आज हमारे बीच से मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। तेरी सामर्थ से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु हमें शूले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपने कहा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु अपना बोझ मेरे ऊपर डालो, मेरे पिता परमेश्वर रिबी सी लिखी रिबी नमर बस अलख रबना मान। ओ ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। मेरी ही आप भी कहें कि मेरी हिम्मत है वो राजाओं के राजा, हिम्मत है वो, मेरी हिम्मत है वो, मेरी हिम्मत है वो, मेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। विश्वास से कहें, जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु आज विश्वास करें। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है। जहाँ भी हो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का जलाल, उसकी सामर्थ आपके साथ है, आपको सुना चाहिए उसके जलाल से। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ। रिबी से लिखी रिबी नमर बसलख रबनमा, ओ उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरे यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। विश्वास से उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद।
मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ, रब सलक रब नम रब 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 वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, ना हालातों से डर थोड़ा विश्वास रख, वो वफादार है थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, ना हालातों से डर थोड़ा विश्वास रख, वो वफादार है थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, जितने बीमार हैं सब शिफा पाएंगे, यीशु मौजूद है रब सलक रब नमा, जितने बीमार हैं सब शिफा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो जितने बीमार हैं सब शिफा पाएंगे, मेरा यीशु रब सलक रब नमा, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो, आज बंधन टूटेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ओए उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, जला से भक्त विश्वास से कहेंगे, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मरा बल 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 सलक रब नमा, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो उसके जलाल उसकी सामर्थ्य भरे रिबी से लिखी रिबी नमा, वो राज्यों का राजा हमारे बीच में है, उसका जलाल उसकी सामर्थ्य, वो जिंदा खुदा हमारे बीच में है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, ना तू कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, ना तू कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद रब सलक रब नमा, जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है राजा, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, वो 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 रब 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 सलक रब नमा, आज उसका जलाल आज छूने जाए रब उसके सामने से, मौजूद है यहाँ, रब सलक रब नमा, रिबी से लिखे रिबी नमा, रब सलक रब नमा, हालेलुया 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 मुक जाने आज रोगे पुराने सारे मुक जाने
मुक जाने, आज रोगे पुराने सारे मुक जाने, मुक जाने मुक जाने, आज रोगे पुराने सारे मुक जाने, टूटे जाने टूटे जाने, आज बंधन गुना दे सारे टूटे जाने, टूटे जाने टूटे जाने, आज बंधन गुना दे सारे टूटे जाने, मुक जाने मुक जाने, आज रोगे पुराने सारे विश्वास कहें, मुक जाने मुक जाने, आज रोगे पुराने सारे मुक जाने, मुक जाने मुक जाने, आज रोगे पुराने सारे मुक जाने, वो मुक जाने मुक जाने, आज रोगे पुराने सारे मुक जाने, मुक जाने मुक जाने, आज रोगे पुराने सारे मुक जाने, मुक जाने मुक जाने, आज रोगे पुराने सारे मुक जाने। ऊंचा तेरा नाम यीशु जी, ऊंची तेरी शान है, ऊंचा तेरा नाम यीशु जी, ऊंची तेरी शान है, जदो जपा मैं नाम तेरा, तेरा नाम जलाली है, जदो जपा मैं नाम तेरा, तेरा नाम जलाली है, ऊंचा तेरा नाम यीशु जी, ऊंची तेरी शान है, जदो जपा मैं नाम तेरा, तेरा नाम जलाली है, गावांगे गावांगे गीत गीत, गावांगे गावांगे गीत तेरी सनाते असी गावांगे, हाँ गावांगे गावांगे गीत तेरी सनाते, रब सलक रब नमा, गावांगे गावांगे गीत तेरी सनाते असी गावांगे, ओ गावांगे गावांगे गीत तेरी सनाते, रब सलक रब नमा, गावांगे गावांगे गीत तेरी सनाते असी गावांगे, आने होवन पावे लंगड़े, कौन शी पावा यीशु तेरे ना तो, आने होवन पावे लंगड़े, कौन शी पावा यीशु तेरे ना तो, गूंगे होवन पावे बहरे, बोलन यीशु तेरे ना तो, गूंगे होवन पावे बहरे, बोलन यीशु तेरे ना तो, ऊंचा तेरा नाम यीशु जी, ऊंची तेरी शान है, जदो जपा मैं नाम तेरा, तेरा नाम जलाली है, गावांगे गावांगे गीत तेरी सनाते असी गावांगे, गावांगे गावांगे गीत तेरी सनाते असी गावांगे, गावांगे गावांगे गीत तेरी सनाते असी गावांगे, गावांगे गावांगे गीत तेरी सनाते, रब सलक रब नमा, मुक जाने विश्वास कहें, सारे मुक जाने, हाँ मुक जाने मुक जाने, आज रोगे पुराने सारे मुक जाने, मुक जाने मुक जाने, आज रोगे पुराने सारे मुक जाने, मुक जाने मुक जाने, आज रोगे पुराने सारे मुक जाने, मुक जाने मुक जाने, आज रोगे पुराने सारे मुक जाने, मुक जाने मुक जाने, आज रोगे पुराने सारे मुक जाने, ओ मुक जाने मुक जाने, आज रोगे पुराने सारे मुक जाने, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, आ पवित्र आत्मा, जो रोगी हैं रोगी के रोग मिटा दे, चंगाई बन के उतरा, जो कर्जई हैं कर्ज का बोझ हटा दे, आशीष बन के उतरा, जो चिंतित हैं
चिंतित की चिंता मिटा दे, आशा बन के उतरा, जो प्यासे हैं प्यासों की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उछलिया, जो कमजोर हैं कमजोरों को तगड़ा बना दे, सामत बन के उतरा, हा पवित्र आत्मा। जो रोगी है रोगी के रोग मिटा दे, जो रोगी है रोगी के रोग मिटा दे, चंगाई बन के उतरा, चंगाई बन के उतरा, कर्ज का बोझ हटा दे,
आशीष बनके उतरा, आशीष बनके उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। कमजोर है कमजोरों को तगड़ा बना दे, सामर्थ बनके उतरा, सामर्थ बनके उतरा। आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। प्यासे हैं प्यासों की प्यास बुझा दे, प्यासे हैं प्यासों की प्यास बुझा दे। चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। रोगी है रोगी के रोग मिटा दे, यीशु मसीह जी जितने भी रोगी हमारे बीच में हैं, पर यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, पर यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। ऐसारी बीमारी पर यीशु के नाम से तुझे कर तेरे शरीर को छोड़ और निकल। चंगाई बन के उतरा, चंगाई बन के उतरा। परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए। सो आइए एक आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक 51 अध्याय और उसका 15 वचन। जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। हम लोग यहाँ देख रहे हैं परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर खुद कहते हैं यहाँ पर यशायाह की पुस्तक में बहुत बार परमेश्वर ऐसे वचन कहते हैं कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ जिसने सृष्टि की रचना की, मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो बनाने वाला हूँ। और यहाँ कहते हैं जो समुन्दर, पंजाबी में समुन्दर कहते हैं, हिंदी में समुन्दर कहते हैं,
जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर खुद कह रहे हैं जो समुद्र को उथल पुथल करता है और जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। इतने बड़े समुद्र को उथल पुथल करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, वो यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर का। हालेलुया। सो वो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो आत्महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर है, और उस परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इतने बड़े समुद्र को, इतने बड़े समुद्र को वो उथल पुथल करता है। हालेलुया। और उसकी लहरों में गर्जन उत्पन्न होती है। मैं आपको परमेश्वर के वचन में से कुछ और बातें भी इसी विषय पे बताना चाह रहा हूं। जब आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ेंगे, अय्यूब की पुस्तक 28 अध्याय, अय्यूब 28 अध्याय उसका 25 और 26 वचन, जब उसने वायु को वायु का तोल ठहराया और जल को नपुए में नापा और मेह को मेह के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया। हालेलुया। यहां पर हम लोग यह देखते हैं परमेश्वर की महानता। अय्यूब की पुस्तक में परमेश्वर की महानता के बारे में बहुत बड़ा वर्णन है, बहुत बड़ा वर्णन है। और बहुत बार हम लोग अय्यूब की पुस्तक को सिर्फ अय्यूब का पहला अध्याय और आखिरी अध्याय तक ही सीमित रखते हैं। अय्यूब पे ये घटनाएं हुई और आखिर में अय्यूब को दुगनी आशीष मिली, लेकिन इसमें परमेश्वर की महानता का वर्णन है अय्यूब की पुस्तक में। मैं भी बहुत साल पहले यही सोचता था अय्यूब का पहला अध्याय और आखिरी अध्याय 41 भी ये ऐसा हुआ था बस घटना। लेकिन जब उसके अंदर गए, जब उसकी गहराई को समझा, परमेश्वर की गहराई को आप समझते जब आप इसको अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो यहां लिखा है जब उसने वायु का तोल ठहराया। ये वायु, हवा का तोल किसने ठहराया? परमेश्वर है जिसने वायु को भी तोला और जल को नपुए में नापा। जैसे दूध को अपने नापते हैं भी, एक लीटर हो गया किसी पैमाने में, एक लीटर का पैमाना हो चाहे 200 ग्राम का हो या 5 लीटर का हो, हाँ ये 5 लीटर हो गया, जब कोई चीज को नापते हैं। जल को, इतना जल है समुद्र, समुद्र में कितना पानी है, इस पानी को किसने नापा? वो परमेश्वर है जिसने जल को नपुए में भी नापा। और परमेश्वर की महानता को देखिए। और मेह के लिए विधि, कैसे बरसात आएगी, मेह कैसे आएगा, कैसे बरसात होगी, और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग कैसे ठहराया? उस परमेश्वर ने ठहराया। ऐसे बरसात होगी, ऐसे गर्जन होगी, ऐसे बिजली चमकेगी, कैसा सब कुछ परमेश्वर, आत्महान परमेश्वर, आत्महान परमेश्वर। हो री बारा साखा बनामा हो लॉर्ड जीसस, इतना महान परमेश्वर। और अय्यूब की पुस्तक 37 अध्याय, आप 37 अध्याय उसका 5 और 6 वचन में जब हम लोग देखते हैं, परमेश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। और वह तो हिम से कहता है, बर्फ गिरती है, जब बर्फ गिरती है, जो हिम पड़ती है, बर्फ से कहता है, वह तो हिम से कहता है पृथ्वी पर गिर, और इसी प्रकार मेघ को भी और मूसलाधार वर्षा को भी ऐसी ही आज्ञा देता है। स्नोफॉल होता है, ऊपर से बर्फ गिर रही होती है। परमेश्वर है वो सब कुछ करने वाला। परमेश्वर मेघ को आज्ञा देता है, मूसलाधार वर्षा को जो बहुत तेज बरसात आती है उसको भी आज्ञा देता है परमेश्वर, बिजली को आज्ञा देता है परमेश्वर, उसको चमकाता है, और हिम को कहता है कि पृथ्वी पर गिरो और वो पृथ्वी पर गिरती है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर। मैं आपको इसका, अगर आप 38 अय्यूब का 38 और 39 अध्याय आप अपने घर पर पढ़ सकते हैं, लेकिन 38 अध्याय में से मैं आपको कुछ बातें आपको पढ़कर सुनाना चाह रहा हूं। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं 38 अध्याय की, ये परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला है वो बता रहा हूं मैं आपको। परमेश्वर अपने मुख से, परमेश्वर अपने मुंह से ये बातें कहते हैं जो मैं आपको 38 अध्याय में
बता रहा हूं, अय्यूब 38 अध्याय 4 वचन, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे, जन के इस पृथ्वी की नींव, परमेश्वर कहता मैंने नींव डाली, उस समय तो कोई भी नहीं था, परमेश्वर ने इस पृथ्वी की नींव डाली। 5 वचन, उसकी नाप किसने ठहराई, उस पर किसने सूत खींचा? अपने कोई भी चीज बनाते हैं तो सूत लगाकर उसको नापतोली करते हैं, और उसको या प्रकार लगाकर उसके ऊपर हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। परमेश्वर खुद अपनी बात बता रहे हैं यहाँ पर, कहते जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली थी तो उस समय कौन था, पृथ्वी का नाप किसने ठहराया? भी इतना नाप होगा, इतनी चौड़ाई, इतनी लंबाई, इतना होगा, उस पर सूत किसने खींचा, सूत खींचकर निशान लगाया किसने खींचा, उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसको कोने का पत्थर ठहराया? पृथ्वी की नींव किस पर रखी गई? कैसे परमेश्वर ने सब कुछ किया, इतना महान परमेश्वर, और वो अपनी महानता का यहां पर वर्णन करते हैं 8 वचन में। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला, वह मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया। समुद्र दूर तक देखते हैं, बादल बादल उसके ऊपर छाया रहता है, और उसके लिए सीमा बांधी, और यह कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दिए, कवाड़े गेट लगा दिए, यहीं तक आ और आगे ना बह, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाएं। परमेश्वर कहते हैं, कहते किसने ये किया, समुद्र ऐसे फूट निकला और उसके लिए बस उसे आज्ञा दे दी परमेश्वर, बस इससे आगे नहीं जाना तूने, क्योंकि आगे कौन है, आगे वो लोग रहेंगे, इंसानों के लिए है पृथ्वी, तेरे लिए यही है, कहीं भी देखो नदियों के लिए तो बांध है, बांधों के लिए भी आगे उन्हें बंद करने के लिए रास्ते बनाए होते हैं, अरेंजमेंट किया होता है, लेकिन समुंदर आप देखो, समुंदर के बीच वहां कौन सी दीवारें कर रखी हैं? परमेश्वर कहा बस यही रहे और इसके आगे ना बढ़। यहां पर हम लोग इस बात को देखते हैं, और परमेश्वर कहते हैं, मैं दोबारा से पढ़ता हूं 8 से, फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया, और उसके लिए सीमा बांधी, और यह कहकर बेड़े और कवाड़े लगा दिए, यहीं तक आ और आगे ना बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाएं। 12 वचन, 12 और 13, क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी और पो को उसका स्थान जताया है, ताकि वह पृथ्वी के शोर को वश में करें और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं? यहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर, अब पृथ्वी की पहले बात करते हैं, किसने पृथ्वी को नींव रखी, कैसे सूत खींचा, कैसे प्रकार लगाई, और फिर यहां पर फिर बात करते हैं समुद्र की, और समुद्र को कैसे किया, और समुद्र के बाद फिर हवा की बात कर रहे हैं, और किसने भोर को, सुबह को किसने आज्ञा दी, भी आप भोर हो जाए, सुबह कैसे होती है, और क्या तूने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी, और वो पूरे पृथ्वी पर छा जाती है जैसे उजाला होता है दिन का। सो कितना परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर अपने मुख से इन बातों को कह रहे हैं। 16 वचन, 16, 17, 18 और 19, क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुंचा है, जहां गहरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है? परमेश्वर कहते कभी इतना गहराई में गया है कि समुद्र के सोते तुझे पता चले कहां से ये पानी निकला? क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए? क्या तू घोर अंधकार के फाटकों कब की देखने पाया है? क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है? उजाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधेरे का स्थान कहाँ है? कहाँ परमेश्वर उजाला रखते हैं, कहाँ अंधेरे का स्थान है? 22 वचन, फिर क्या तू कभी हिम के भंडार पे बैठा, या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है, जहाँ बर्फ, हिम मतलब बर्फ, और बर्फ के जो आसमानी बर्फ है उसके भंडार को देखा, जो जहां से ओले गिरते हैं उस ओले के भंडार को परमेश्वर कहते हैं तूने देखा? ये सब परमेश्वर ने किया,
परमेश्वर के हाथ में है। और 24 वचन, किस मार्ग से उजाला फैलाया जाता है और पुरवाई पृथ्वी पर बहाई जाती है। उजाला किस रास्ते से सब पृथ्वी पर फैलाया जाता है, उजाला उजाला, और हवा पृथ्वी पर कैसे बहाई जाती है, पुरवाई जो है हवा बहाई जाती है, कैसे बहाई जाती है, कोई मार्ग नहीं जानता, परमेश्वर जानते हैं। महावृष्टि के लिए किसने नाला काटा और कड़कने वाली बिजली के लिए मार्ग बनाया कि निर्जन देश में और जंगल में जहां कोई मनुष्य नहीं रहता मैं बरसाकर उजाड़ ही उजाड़ देश को सिंचे और हरी घास उगाए। क्या मीह का कोई पिता है और ओस की बूंदें किसने उत्पन्न की। कितनी प्रभु महान, कैसे छोटी छोटी बातों के लिए ध्यान रखते हैं। ओस की बूंदों को परमेश्वर रचने वाले हैं, मी को परमेश्वर रचने वाले हैं, मी को परमेश्वर आज्ञा देने वाले हैं, हिम को परमेश्वर आज्ञा देते हैं, कड़कने वाली बिजली को परमेश्वर आज्ञा देते हैं, ये पृथ्वी और ये समुद्र और आगे नहीं जाना समुद्र से कहते हैं, कैसे हवा को आज्ञा देते हैं, हवा बहती, कैसे उजाले को परमेश्वर आज्ञा देते हैं। वो महान परमेश्वर के बारे में मैं आज आज से बात कर रहा हूं। और किसके गर्भ से बर्फ निकला है और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है। जाल पत्थर के समान जम जाता है और गहरे पानी की सतह जम जाती है। 36 वचन, 36, किसने अंतकरण में बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी। कैसे मनुष्यों और कुक और दूसरे कुछ जानवरों को भी किसने बुद्धि उपजाई, किसके मन में यह बुद्धि उपजाई, उन्हें अकल कहां से मिली। परमेश्वर ने ही उन्हें दी, समझने की शक्ति दी। और 37, कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है और कौन आकाश के कुप्पों को उंडेल सकता है। कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है, कौन बादलों को गिन सकता है, और वो तो परमेश्वर की निगाह ही में है, वो परमेश्वर की निगाह में है। कौन आकाश के कुप्पे बादल ही है, वो भी कौन उनको उंडेल सकता है बादलों को, परमेश्वर ही है जो सब कुछ करते हैं और वो महान परमेश्वर है। और इसमें परमेश्वर की महानता के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। 39 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, और मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूं। 39 अध्याय में परमेश्वर कहते हैं जंगली बकरियां और हिरनियां कैसे वो बच्चे जनती हैं जंगल में, कौन उनके पास होता है, कौन इनकी संभाल करता है, एक वचन में लिखा है। और 5 वचन में बनेले गधों के बारे में लिखा हुआ है, कौन जो है वो उनको ऐसा ताकत देता है, कौन उन्हें ऐसा बनाया है। फिर 10 वचन में जंगली सांड के बारे में लिखा हुआ है, 13 वचन में शतर मुर्गी के बारे में लिखा हुआ है, और 19 वचन में घोड़ों के बारे में लिखा हुआ है, और 26 वचन में बाज के बारे में लिखा हुआ है। ये परमेश्वर की महानता, परमेश्वर कहते हैं कौन उनको देता है, कौन उन्हें खुलाता है, कौन उनकी देखभाल करता है, वो तो जंगल में रहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हैं यहां लिखी हुई हैं, और बड़ी बात यह है कि ये परमेश्वर ने खुद अपने मुंह से कही, किसी व्यक्ति ने नहीं कही, परमेश्वर खुद अपने मुख से ये बातें कहते हैं। और भजन संहिता 74 अध्याय 16-17 वचन, 74 भजन संहिता, वहां से भी हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, 16-17 वचन। दिन तेरा है, रात भी तेरी है, सूर्य और चंद्रमा को तूने स्थिर किया है, तूने तो पृथ्वी की सब सीमाओं को ठहराया, धूप काल और जाड़ा दोनों तूने ठहराए हैं। यह परमेश्वर, महान परमेश्वर है। दिन परमेश्वर का है, रात परमेश्वर की है, सूर्य चंद्रमा को परमेश्वर ने उनका उनके निजम के अनुसार उनको ठहराया हुआ है, पृथ्वी की सब सीमाओं को ठहराया है, धूप काल जब धूप आती है गर्मी होती है और जाड़ा जब सर्दी होती है, ये ऋतु सब कुछ को कंट्रोल करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। सो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर कैसे समुद्र को आज्ञा देता है और समुद्र के नीचे से सोते फूटते हैं और उन बातों को वो जानता है, उसके लिए सीमा ठहराई है, और से बादलों को कैसे वो आज्ञा देता है, मेघ को और बिजली को और बर्फ जब गिरती है हिम को कैसे आज्ञा देता है, कह
कैसे वो सब कुछ करता है, पृथ्वी को जब बनाया परमेश्वर ने, और कैसे उसका सूत खींचा होगा, और कैसे वो सब उसने रखा होगा। बस नहीं नहीं, इतनी सी बनाते हैं हम लोग पृथ्वी, इस डिजाइन की बनाएंगे, गोल बनाएंगे, और ऐसी बनाएंगे, ऐसी बनाएंगे, कैसा सब कुछ परमेश्वर ने किया, और समुद्र के पानी को नपुए में नाप दिया ना? अच्छा कितने लीटर है, जैसे बाल्टी में देखते हैं, अच्छा बाल्टी में 10 लीटर पानी है, और इसमें कितना है, परमेश्वर वो है, इस पृथ्वी को परमेश्वर ने तोला है, तोल कर देख लिया, अच्छा कितने किलो गई, ऐसा करके वो महान परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो परमेश्वर में जो आज से आज बात करना चाहता हूं, वो परमेश्वर जो पूरी दुनिया का कंट्रोल करते हैं, जो पुरवाई को हवा को आज्ञा देते हैं, जो उजाले को आज्ञा देते हैं, वो जो पशुओं की पक्षियों की हर एक चीज चिंता करते हैं, इतना महान परमेश्वर जिसके हाथ में सब कुछ है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसे सब लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, और हम जानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका परमेश्वर है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं जानता हूं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आप जानते हैं, आप धन्य हैं, क्योंकि आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानते हैं, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा पिता है, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका पिता है। हालेलुया, इतना महान परमेश्वर ओरी बारा साखा बोनुसो आपका पिता है, इतना महान परमेश्वर आपका पिता है, और जो मैं बात आज आपसे कहना चाहता हूं कि इतना महान परमेश्वर जिसके कंट्रोल में ये हवा है, जिसके कंट्रोल में ये ऑक्सीजन है, जिसके कंट्रोल में ये गर्मी या सर्दी है, पृथ्वी समुद्र पृथ्वी को जैसे तकड़ी में तोल देते हैं, अच्छा इतने किलो की है, नपुए नाप देते मिट्टी, अच्छा इतनी मिट्टी है, और वो परमेश्वर आज से आज कुछ कहते हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो एक एक तारे का नाम जानते हैं, एक एक तारे को वो पहचानते हैं, वो सारे ब्रह्मांड के स्वामी कर्ता हैं, रचनहार हैं, सब कुछ को बनाने वाले हैं, सब कुछ इस पृथ्वी में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो उनके बिना बनाई गई हो, सब कुछ हमारी परमेश्वर ने रचा है, और वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, और वो आपसे कहता है, यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय और उसका 10 वचन, यशायाह 41 और 10 वचन, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तो ये दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दैन्य हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया, मैंने इसलिए आपको पहले परमेश्वर की महानता का वर्णन किया, कितना महान परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, कितना वो सब कुछ उसके कंट्रोल में है, और वो परमेश्वर आपसे कहता है मत डर, इस बड़े संकट में मत डर, इस परेशानी में मत डर, अरे बोरो सिखे बेरे रे साखा बरो, वो कहते हैं मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया, परमेश्वर कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं, वो उथल पुथल करने वाला, समुद्र को उथल पुथल करने वाला परमेश्वर आज से कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं, पुरवाई को कंट्रोल करने वाला, पुरवाई को चलाने वाला, हवा को चलाने वाला परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं, इस पृथ्वी की नींव रखने वाला, इस धरती की नींव रखने वाला, इस पृथ्वी के सूत लगाने वाला परमेश्वर आपसे कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं, समुद्र को बनाने वाला और समुद्र को आज्ञा देने वाला, समुद्र को एक जगह इकट्ठा करके रखने वाला परमेश्वर आपसे कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं, जो औलों को आज्ञा देता है, हिम को आज्ञा देता है कि वो पृथ्वी पर पड़े, मी को आज्ञा देता है, बरसात को, वर्षा को आज्ञा देता है कि वो पृथ्वी पर पड़े, वो परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं।
जो पक्षियों को और पशुओं को उनका भोजन देता है वो परमेश्वर कहता है मर्डर मैं तेरे संग हूं। जिसके हाथ में ये गर्मी का मौसम और सर्दी का मौसम है, जो जिसके हाथ में ओजाला है और ये बारा साखा बरु बोनी से, वो आत्महान परमेश्वर आज से कहते हैं मत डर, मत डर, मैं तेरे संग हूं। हो सकता है आप अपनी बीमारियों को लेकर आप भयभीत हो, आपके परिवार को लेकर आपके अंदर डर हो, इस महामारी के कारण आपके अंदर डर हो, आपके बिजनेस फेल होने के कारण आपके अंदर डर हो, आपके धन संपत्ति पर आशीष नहीं इसलिए आपके अंदर डर हो, आप भयभीत हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशानी में हैं, अपने दुखों को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर आप चिंतित हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। वो कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। रचनहार परमेश्वर आपसे कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक कि कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मुझे संभालेगा। परमेश्वर कहते हैं क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तो दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। मेरी मदद ले रब आपे आया जिसने जमीन आसमान बनाया। हालेलुया। वो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। सो वो रचनहार परमेश्वर आपसे कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। जिसका नाम सब नामों से श्रेष्ठ है वो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। जो जगत की ज्योति है वो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता वो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। जो अल्फा और ओमेगा आदि और अंत है वो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। जो मार्ग सत्य और जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। जो परम प्रधान परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीह है वो आपसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। जिसके हाथ में मृत्यु और पताल की कुंजियां हैं वो आपसे कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। जो स्वर्ग का द्वार है वो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ वो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा वो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। जो जीवित होकर स्वर्ग पर उठा लिया गया वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। जो दोबारा बादलों पर आने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। जिसके नाम से पाप क्षमा होते हैं, जिसके नाम से, जिसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार है वो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। जो अच्छा चरवाहा है वो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। जिसका नाम परमेश्वर का वचन है वो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। जो कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं वो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। जो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा वो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। जो 38 वर्ष के अधरंगी को चंगा करते हैं वो आपसे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। जो 5 रोटियों से 5,000 को खिलाते हैं वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। जो जन्म के अंधे की आंखें खोलते हैं वो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। जो 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया।
इस युग के अंत तक मैं सदैव तेरे संग हूं। हालेलुया। ओरी बारा सखा बारा रबा। सो अगर आप किसी बीमारी में फंसे हैं, जहां आप किसी परेशानी में घिरे हुए हैं, जहां किसी मुश्किल में हैं, आपके चारों ओर आपके धन संपत्ति के मामले में और जहां कोर्ट कचहरियों के मामले में, जहां आपके परिवार को समस्याएं हैं, जहां आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण आप नीचे की ओर जा रहे हैं, जहां इस महामारी का आप पर संकट है, आप याद रखें वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, रचनहार परमेश्वर, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा और मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अब याद रखें वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, वो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, वो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। ओरी बारा सख बोलो बनी तबारा बारी दबारा, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा पिता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा पिता है, वो सर्वशक्तिमान आपका पिता है, वो सर्वशक्तिमान आपका पिता है। सो अगर अभी तक आपने उसे अपना परमेश्वर नहीं बनाया, अभी तक आप उसके बेटे और संतान नहीं बने, तो आज यूहन्ना एक अध्याय के अनुसार आप यीशु पर विश्वास करें तो आप परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाएंगे। तो आप मेरे साथ बोलकर एक प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आप पर विश्वास करता हूं कि आप जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं और मैं आपका अंगीकार करता हूं, मेरे परमेश्वर पिता मेरे सारे पाप क्षमा कर दीजिए और मुझे नया जीवन दीजिए, मुझे अपनी संतान बना लीजिए, मुझे अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दीजिए। मेरे पिता मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ, पर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हुआ मेरी प्रार्थना ग्रहण करें। स्वर्गीय पिता पर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। सो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जिन लोगों ने इस समय अपने पापों की क्षमा मांगते हुए पर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, आज उनके पाप क्षमा हो और आज ही ये आपके बेटे और बेटियां इसी समय बन जाएं, इसी समय आपकी संतान बन जाएं, क्योंकि ये वचन जो है आपकी संतानों के लिए है कि मत डर मैं तेरे संग हूं। ये वचन इब्राहिम के वंश के लिए है कि मत डर मैं तेरे संग हूं। मेरे पिता परमेश्वर, आज जब इन्होंने परमेश्वर मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, ये आपके संतान बन गए हैं। धन्यवाद इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखने के लिए, धन्यवाद इनके पापों को मिटाने के लिए, मेरे परमेश्वर इनके जीवन को ब्लेस करने के लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर में मैं आपको देते हैं मेरे पिता मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, इन लोगों के साथ रहें, इनकी मदद करो मेरे परमेश्वर। बाकी सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई भी बीमारी परेशानी है तो उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसी बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल, ऐसी शैतान की ताकत प्रभु यीशु के नाम से निकल, ऐसी अंधकार की ताकत प्रभु यीशु के नाम से निकल, सारी शैतान की ताकतें बीमारियां अंधकार की ताकतें खत्म हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से, इनके बिजनेस पर आशीष हो प्रभु यीशु के नाम से, इनके परिवार पर आशीष हो प्रभु यीशु, अपने सामर्थ्य से भरे, अपने पवित्र आत्मा से भरे, हर एक बीमारी को दूर करें, इस घर से बीमारियों को दूर करें, इनके लिए स्वर्ग को खोलें, इनके लिए स्वर्ग को खोलें, इनके लिए स्वर्ग को खोलें, सारे शैतान के बंधन को तोड़ दें, मदद करो। सारा आदर में आपको देते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर लीजिए, आमीन 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 आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहें।